हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, मैं आज अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने एपिक्स लेजेंड मोबाइल के सॉफ्ट लॉन्च के कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी गाइस मैं आगे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कमाल की होने वाली है। साथ ही साथ गाइस, एक और नया मोड हमें इंट्रोड्यूस हुआ है गाइस, जो कि अपने नेक्स्ट बीटा में देखने के लिए मिलेगा। उस मोड के बारे में भी हम डीपली बात करेंगे, तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। को बिल्कुल भी मिस मत करना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को भी आप सबसे पहले देख पाए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गेम के फीचर्स के बारे में, जो कि हमें सॉफ्ट लॉन्च में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस उसमें सबसे पहला मोड, या फिर बोल सकते हैं सबसे पहला जो फीचर है, वो गाइस रैंक मोड को लेकर है। अभी गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डीप में, तो थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो गाइस अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पबजी का, यानी कि अगर हम पबजी में रैंक पुश करते हैं, तो उसके अंदर गाइस एस के बाद में काफ़ी हार्ड हो जाता है पुश करना, और गाइस आपको हर मैच में टॉप 10 आना ही पड़ता है, या फिर अलग अलग सिनेरियोस हैं, अलग अलग मतलब देश पर वेरी करती है आपकी रैंक पॉइंट्स। आपको रैंक पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब आपने अच्छी किल निकाल पाओगे। अगर आप बिल्कुल बिना किल के, यानी कि जीरो किल पर आप अगर एंड तक पहुंच भी जाते, तब भी आपके 10 से 15 प्लस पॉइंट भी हो जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन गाइस अपना जो एपिक्स लेजेंड मोबाइल का रैंक मोड होने वाला बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ उसमें ऐसा डिफरेंट क्या है। तो गाइस जब आपने एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर रैंक पुश करोगे, तो अगर रैंक पुश करते समय लॉबी में, या फिर बोल सकते हैं मैच के अंदर, अगर कोई आपसे भी तगड़ा अपोनेंट्स आ जाता है जिसकी रैंक आपसे भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, तो गाइस अगर आप उसे किल कर देते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रैंक पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। इमेजिन कर सकते हो गाइस, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम अलग है। आप अपने से अच्छी रैंक वाले बंदों को अगर मारते हो, तो आपकी रैंक बहुत जल्दी जल्दी मतलब बढ़ेगी, आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे रैंक्स के। और गाइस प्लेसमेंट पर भी आपकी रैंक जो है वो बिल्कुल मतलब डिपेंड करती है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब आप बिल्कुल एंड तक लॉन्ग लास्टिंग टिकोगे, और अगर अच्छे बंदों को मारोगे, तो आपकी किल डेफिनेटली बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा है। दूसरा जो फीचर सबसे इंटरेस्टिंग है, वो गाइस ये कि ग्राफिक्स को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। भाई सही बता रहा हूँ, ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिए हैं, बिल्कुल पीसी जैसे ग्राफिक्स बना दिए गाइस, और बिल्कुल एक्सपीरियंस में वैसा ही मिलने वाला है अपने ग्लोबल वर्जन के अंदर। अभी गाइस जो अपना सॉफ्ट लॉन्च, या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट बीटा जो अगर आएगा, उसके अंदर ग्राफिक्स के भाई काफ़ी सारे मोड अलग ऐड कर दिए हैं। जैसे कि गाइस पहले हमें सिर्फ एक्सट्रीम तक देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब एक्सट्रीम HD और ओरिजिनल, ये दो ग्राफिक्स एक्स्ट्रा और मिल चुके हैं गाइस। ओरिजिनल के अंदर अगर आप खेलते हो इस गेम को, तो बिल्कुल PC जैसे ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन गाइस ओरिजिनल ग्राफिक्स पर खेलने के लिए आपको डिवाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। आपके पास अगर अच्छा स्मार्टफोन है, आपके पास स्नैपड्रैगन 888 या फिर 870 अच्छे वाला प्रोसेसर है, तभी आप इस गेम को ओरिजिनल ग्राफिक्स पर खेल पाओगे। अभी गाइस हम बात कर रहे हैं भाई हाई डिवाइस में हाई ग्राफिक्स के ऊपर गेम को चलाने की, तो गाइस यहाँ पर लो डिवाइस के बारे में बता देता हूँ। तो भाई रिसेंटली अपडेट आ चुका था, भाई मैंने आपको कल वीडियो में बना के बताया भी था भाई, कि जो अपना एपिक्स लेजेंड मोबाइल है भाई, उसके अंदर अब लो डिवाइस भी सपोर्ट करेंगे। बहुत ही लो डिवाइस, मतलब इतने भी ज़्यादा लो नहीं कि जिसमें स्नैपड्रैगन 400 या फिर 405 की सीरीज़ है, उसमें तो सपोर्ट नहीं करेंगे भाई। लेकिन अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 650 या फिर 675 से ऊपर है, तो आप इस गेम को खेल पाओगे। लो डिवाइस के अंदर भी आपका ये गेम चलेगा अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस ये अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी गाइस बात करते हैं अपने और इन गेम मोड्स के अपडेट के बारे में, जैसे कि गाइस मैप्स को लेकर, तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ही कमाल के इसके अंदर मैप्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम पर PC पर भी नहीं है। यानी कि इनडायरेक्टली बोलूँ तो जो अपने एपिक्स लेजेंड मोबाइल PC वर्जन है PC के ऊपर, उसके अंदर जो मैप्स नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से नए मैप्स हमें देखने के लिए मिलेंगे अपने एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर, जो कि ना तो PC पर, ना Xbox पर, ना PlayStation पर अभी तक अवेलेबल हुए हैं, ना ही अभी तक आए हैं। तो वैसे बिल्कुल नए मैप्स हमें देखने के लिए मिलने वाले इन फ्यूचर अपने एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी गाइस बस मैं आपको बताने वाला था यही कुछ हाइलाइटेड फीचर्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस गेम को, जो कि मैंने बता दिए। अब बात करते हैं गाइस अपने जो नए मोड के बारे में, जो कि मैंने
मैंने आपको बताया था कि भाई एक नया मोड इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो गाइस वो इंट्रोड्यूस मैं आपको करा देता हूं। तो एक नया मोड हमें देखने के लिए मिलने वाला अपने एपिक्स लेजेंड मोबाइल के नेक्स्ट बीटा के अंदर, जिसका नाम होगा न्यू एलटीएम कंट्रोल। अब गाइस बिल्कुल आप समझ सकते हैं, मतलब ये एक टीम डेथ मैच की तरह ही होने वाला है, कुछ ज़्यादा इसमें मतलब इनहेंस या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप बैटल रॉयल मोड की तरह खेलोगे या फिर रैंक पुश करोगे। डीपली आपको समझा देता हूँ कि भाई ये आप अगर सीओडी मोबाइल खेला हो आपने, तो आपने उसके अंदर एक मैप देखा होगा या फिर आपने एक मैच खेला होगा कैप्चर द जोन, यानी कि गाइस आप बस समझ सकते हैं बस आपको कैप्चर द जोन वाला ये सिनेरियो है। इसके अंदर फ़ायदा ये है कि गाइस इसके अंदर 9 vs 9 की टीम होने वाली है, यानी कि 9 बंदे हमारे और 9 बंदे सामने वाली टीम के, तो मैप के अंदर काफ़ी तगड़ी बसड़ मचेगी, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स होंगे, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस मोड के अंदर, क्योंकि गाइस 9 vs 9 यानी कि 18 प्लेयर्स होंगे एक मैच के अंदर। और गाइस आपको जोन कैप्चर करना होगा, जैसे आप जोन कैप्चर कर लेते हो आपके पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज होने लगेंगे और आप जीत जाओगे। बिल्कुल आप सीओडी मोबाइल का जो कैप्चर द जोन है या फिर आप बोल सकते हैं वही बिल्कुल वैसा ही मोड होने वाला है। इन फ्यूचर जैसी बीटा आएगा तो आप इस मोड को खेल पाओगे। तो गाइस ये नया मोड भी इंट्रोड्यूस मैंने करा दिया है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस अगर पसंद आई है तो लाइक ठोक दो अभी के अभी, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।